एक नंबर जीएस की श्रेणी में आज हम तानसेन पुरस्कार पढ़ेंगे। तानसेन पुरस्कार मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है जो 1980 से प्रतिवर्ष शास्त्रीय संगीतकारों को दिया जाता है। इसमें गायक तथा वाद्य यंत्र एवं संगीतकार शामिल होते हैं। ये पुरस्कार संगीत सम्राट तानसेन की याद में दिया जाता है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। यह पुरस्कार तानसेन की स्मृति में 1980 से मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। तो यहाँ इसके छोटे नोट्स हैं जिन्हें हम देखेंगे। ये नोट्स आपको वीडियो के द्वारा भी दिखाए जाएंगे। इसके अलावा इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप से प्राप्त होगा तथा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे एक लिंक दिया जाएगा, उसे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ भी इसके नोट्स आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, चलिए आज की हेडिंग शुरू करते हैं, तानसेन पुरस्कार। तो यहाँ लिखा हुआ है, उस तरीके से देखें इस नोट्स को, तो इसमें दिया हुआ है कि संगीत सम्राट तानसेन की स्मृति को चिरस्थाई मतलब यादगार बनाए रखने के लिए 1980 से, यहाँ लिखा हुआ है 1980 से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की शुरुआत की गई। तो 1980 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और आपको बता दूँ 1985 में जब ये पुरस्कार शुरू हुआ था तब इसकी पुरस्कार राशि 5,000 रुपये थी। ठीक है, और 1986 में यह पुरस्कार राशि बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई थी। तो 1986 में और 1985 में इसमें दो चेंज हो चुके हैं। उसके बाद 1990 में इसकी पुरस्कार राशि को 1,00,000 रुपये कर दिया गया, जबकि वर्तमान में इसकी पुरस्कार राशि 2,00,000 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। तानसेन सम्मान मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा 1980 दिया जा रहा है। ये भी एक एग्जाम में आ चुका है कि मध्य प्रदेश के कौन से विभाग द्वारा दिया जाता है, तो हमें ये बताना रहेगा कि उन सांस्कृतिक विभाग द्वारा दिया जाता है। तो यह पुरस्कार अब तक टोटल 51 लोगों को दिया जा चुका है, जिसकी सूची मैंने यहाँ नीचे संलग्न की हुई है, जोड़ी है। इसमें जो पीले रंग से आपको दिखाए गए, ये केवल महिला कैरेक्टर हैं, यानी वो महिला कलाकार जिन्हें दिए गए हैं। तो इसमें टोटल 51 लोगों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो जब ये पुरस्कार शुरू हुए थे 1980 में, तब ये प्रारंभ में केवल 3 ही लोगों को दिए गए थे। तो पहले थे पंडित कृष्णराव पंडित, दूसरे थे हीराबाई बड़ोदकर, तीसरे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खां। ये तीनों लोग अलग अलग क्षेत्रों से हैं। पंडित कृष्णराव शंकर जो पंडित हैं, ये ग्वालियर से ही संबंध रखते हैं और किराना घराना के गायक थे। हीराबाई बड़ोदकर भी किराना घराना की गायिका थी। और उस्ताद बिस्मिल्ला खां जी जो थे वो शहनाई वादक थे। तो इस प्रकार से 1980 में एक साथ 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। इसके अलावा इसमें टोटल 9 महिलाओं को अब तक यह पुरस्कार दिया गया है, जिसे मैंने यहाँ पर हाईलाइटर से दिखाया है। पहला नाम है हीराबाई बड़ोदकर, दूसरा नाम है गंगूबाई हंगल, असगरी बाई, मोंगूबाई कोडीकर, गिरजा देवी और मालिनी राजूरकर, सुलोचना बृहस्पति और सविता देवी, और सामने आखिरी नाम है अंजू मेहता जो 2018 मिला था। एग्ज़ाम में 2010 के बाद के नाम सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी आप थोड़ा देख लें। तो 2010 में यह पुरस्कार सबसे पहले सविता देवी को, 2011 में यह पुरस्कार राजन साजन मिश्र को, और 2012 में प्रभाकर कारेकर को जो मुंबई से थे, 2013 में विश्व मोहन भट्ट को, और 2014 में अजय चक्रवर्ती को, और 2015 में कृष्ण राव शंकर पंडित जी। ये वही व्यक्ति हैं, ये उन्हीं के बेटे हैं जो पहले नंबर पर 1980 में पंडित जी थे, कृष्ण राव पंडित उन्हीं के बेटे हैं। और 2016 में डालचंद शर्मा जी को, और 2017 में पंडित उल्लास कशालकर को, पुणे के थे ये, 2018 में मंजू मेहता को, और 2019 में पंडित विद्याधर व्यास को ये पुरस्कार दिया जा चुका है। इसके अलावा इस पुरस्कार के कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो मैंने आपको इसमें बताने की कोशिश की है। तो पहला बिंदु है, उसमें बताया गया है कि यह पुरस्कार अब तक 51 लोगों को दिया जा चुका है, जिनमें सर्वाधिक 38 बार गायकों को तथा 12 बार वादकों को, वादक यानी वाद्य यंत्र बजाने वाले, तथा 1 संगीतकार को दिया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना होगा थोड़ा सा कि 38 तो लोग हैं जो गायक हैं, और जो 12 लोग हैं वो वादक हैं, और 1 व्यक्ति संगीतकार हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले पॉइंट में हमको बताया गया कि हीराबाई बड़ोदकर 1980 में ये सम्मान पाने वाली पहली महिला थी,
जो किराना घराना की गायिका थी, वही पुरस्कार अब तक 9 महिलाओं को प्राप्त हुआ है, अपन ने अभी टेबल में ऊपर बताया हुआ था, आप उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। ठाकुर जयदेव सिंह एकमात्र ऐसे व्यक्ति रह चुके हैं जो संगीतकार थे जिन्हें यह सम्मान प्राप्त था, जिन्होंने संगीत की अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। और संगीतकार, संगीतकार का मतलब होता है म्यूजिशियन देना, वो कुछ बजाते या गाते नहीं थे, केवल म्यूजिक देते थे। तो ऐसे व्यक्ति को भी एक ही व्यक्ति हैं ठाकुर जयदेव सिंह, उन्हें ये मिला है। इसके अलावा डॉक्टर ज्ञान प्रकाश घोष को 1995 मिला है, जिन्हें गायन व वादन दोनों श्रेणी में यह पुरस्कार दिया जा चुका है। ठीक है, इसी प्रकार पिता पुत्र के रूप में यह पुरस्कार दो लोगों को या 2 बार दिया जा चुका है। जैसे पिताजी के रूप में हनुमान प्रसाद मिश्र को मिला है 1997, वो सारंगी वादक थे, और पुत्रों के रूप में राजन साजन मिश्र, ये दोनों भाई हैं, इन्हें 2011 में गायन के क्षेत्र में मिला था। इसके अलावा पंडित कृष्ण राव जी को 1980 में जब ये शुरू हुआ था, और उन्हीं के पुत्र हैं पंडित लक्ष्मण कृष्ण राव पंडित, जिन्हें 2015 में मिला था, और दोनों को गायन के क्षेत्र में ही मिला था। ठीक है, इसके अलावा इसका एक बिंदु और है, उसमें बताया गया है कि उस्ताद बिस्मिल्ला खां को 1980 में और पंडित भीमसेन जोशी को 1991 में ये सम्मान प्राप्त है, और ये दोनों लोग भारत रत्न प्राप्त भी हैं। यानी हमारे पास 51 लोगों की श्रेणी में केवल उस्ताद बिस्मिल्ला खां और पंडित भीमसेन जोशी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें तानसेन भी प्राप्त हैं और भारत रत्न भी, यानी हम कह सकते हैं कि वे भारत रत्न प्राप्त तानसेन सम्मानित हैं। ग्वालियर में ही इसका आयोजन होता है,